अच्छा भाई, वो आज तो इकबाल डे गालिबन, जी जी बिल्कुल अंकल, ऐसे ही है तो आज तो ना मैं एक बात कहूंगा, जी। समझने वाले जो है ना, जो अकल रखते हैं वो समझ जाएंगे, जी जो बेअकल लोग हैं ना उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, सही। कुछ भी नहीं आएगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है अंकल, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना। बिल्कुल। तो ये बड़े बड़े लोग जो कह के गए ना, ऐसे ही कह के नहीं गए, ये इनको पता था, इनको पता था कि पीछे से क्या होगा। बिल्कुल अंकल, ऐसे ही है अच्छा, अब एक बात कहनी है मुझे, जी जी जो मैं एक हफ्ते से कहना चाह रहा जी था जी अंकल। लेकिन मुझे गाना नहीं मिल रहा था। सो आज रात को बड़ी मेहनत की तो वो सॉन्ग मुझे मिल गया, कौन सा सॉन्ग अंकल? तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, आप जरा कंप्यूटर पे आ जाएं। जी जी कंप्यूटर पर ही अंकल। कंप्यूटर पे ही हो? हाँ जी अंकल, और नहीं तो क्या। क्यों गलत बात कर रही हैं अरे आप? अंकल, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हूँ ना मैं। अरे आप तो हॉट सीट पे हो, कहाँ ये बोलूँ मैं कि कंप्यूटर इस्तेमाल करती हूँ मैं, हाँ तो ये मैंने यही बात तो सही बोला है, अंकल, यही तो बोला है। ये बात सही है। तो हाँ जी, आपने तो कहा कंप्यूटर पे हो, कंप्यूटर पे मतलब कहाँ है अंकल वही आप? बात है ना, मतलब अंकल, अरे अच्छा, अंकल। तो भाई भाई ये लिखिए आप, हाँ जी बताइए। ये गाना जो है ना यूट्यूब पे चलेगा, मेरी कॉल खत्म होगी तो चल जाएगा, या बीच पे चलेगा, सही है। ये बैकग्राउंड पे, वो बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड बोलते हैं ना, हाँ उस जी पे नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा। ये कोई रफ्ता रफ्ता गाना नहीं है जो अच्छा आप बताएं तो सही बैकग्राउंड पे अंकल, चलाएंगे। गाना तो गाना बता दें। बता रहा हूँ, पहले नाम तो लिख लो हाँ कि तो किसने गान, गाया है, मोहतरमा ने, हाँ जी बताइए। ये मोहतरमा का नाम है नाई दफ्तर, फिल्म अच्छा जी, और का नाम है, फिल्म का नाम है भरोसा। भरोसा। हाँ, अच्छा और गाना कौन सा है? वो गाना नहीं बोल है, अच्छा, तमाम तमाम उम्र उम्र तुझे तुझे, जिंदगी सही है अंकल। का प्यार मिला, अंकल मिल गया मिल अंकल गया अंकल, ना? आपने पहले भी कई दफा प्ले करवाया है गाना, नहीं, ये गाना मैंने प्ले नहीं करवाया, आप करवाया इसे लोक अंकल करें, आप अंकल। इसे लोक करें, आप इसे लोक करें, अच्छा चले, लोक हो गया। हो गया लॉक। ये गाना मैंने प्ले नहीं करवाया, लेकिन मैंने आपको जो गाने कहे थे ना 7 जनवरी 2021 को, वो गाने आपको मिले नहीं, आपने कई ढूंढा, कई लोगों से कहा, लोगों ने भी यही कहा कि भैया हमें यूट्यूब पे भी ये गाना नहीं मिल रहा अंकल जी वाला, लेकिन ये गाना सियालकोट वाले भट्टी अनवर भट्टी साहब ने आपको डेडिकेट किया था आपकी सालगिरह के दिन, जी जी और जी आपने ये गाना बैकग्राउंड में चलाया था, मुझे सब याद है। अच्छा। आपको याद नहीं, मुझे सब याद है। हाँ अंकल, हम बादाम नहीं खाते ना इसलिए। ये कोई हमसे नहीं, बादाम की बात नहीं है, आजकल आजकल ईरानी बादाम कहाँ मिलती है, आजकल तो अमेरिकन बादाम मिलती है, और अमेरिकन कौन से पाकिस्तान का भला सोचते हैं जो हम ये बादाम खाएं। ये चल रहा है अंकल। हाँ, तो और अभी ये गाना जो है ना, वो आपका कॉपीराइट है अंकल ब्लडर इस पे, है, हाँ? कॉपीराइट है। कॉपीराइट है। हाँ जी ओ माय गॉड, चले, मैं ढूंढती हूँ अंकल, अगर कॉपीराइट फ्री मिल गया ना मैं प्ले कर दूंगी। सही है, इसकी आज पूरी कोशिश करें इसकी, इसको ये एफबी वालों को ना हटा दो यहाँ से, अरे ये आ अंकल जाते हैं फेसबुक बीच वाली तो में। लोग हमारा शो सुन रहे होते अच्छा सुनो हैं। सुनो, फिर टाइम नहीं रहेगा, सुनो। खाली के कायनात कादरे मुतलक, मस्जिद व माबूद, राजी को रज़ाक, समी उल बसीर, गफूर रहीम, रब्बुल आलमीन, अपनी खास रहमत से मेरी भांजी और उनके घराने पर हमेशा मेहरबान रहे। ये आमीन सुम आमीन। मेरी उस भांजी के लिए मैं कह रहा हूँ जिसका रिजल्ट आया था। कि जिसका हाँ रिजल्ट आया था, मैं उसका नाम मतलब के ऑनर नहीं नहीं ले अंकल, बताऊंगा, रहने दे अंकल, इसलिए कि मैंने उनसे इजाजत भी नहीं ली ना, बिल्कुल ये बात भी सही है अंकल। और हो सकता है गालिबन ये आज का शो सुने भी और ना भी सुने, ना सुने, क्योंकि ये नहीं बहुत सुनती अंकल, वो बहुत आपकी भांजी। ये आपसे और हमसे बहुत दूर रहती है, आदम जी नगर में जो हिल पार्क के पीछे कोठी है ना, उस कोठी में रहती है। हाँ, अच्छा सही अंकल, हिल पार्क में तो नहीं रहती।
क्या करो, मैं कह रहा हूँ ना, आप आपके क्लिफ्टन से भी, आपके स्टूडियो से भी, और हाँ मेरे फेडरल भी एरिया से, मैं मेरे मेरे जो झोपड़ी अंकल, से भी वैसे थोड़ी दूर रहती है। वैसे अंकल एक बात है, वो झील पार्क है जिसको हम हिल पार्क कहते हैं। नहीं, झील पार्क जो है ना वो और चीज है। अच्छा हाँ वो और चीज है। अच्छा सही है। हाँ आप अंबर से मालूम कर लेना। अच्छा सही, अंबर आ तो जाए हाँ पहले, अंबर तो सो रही लग रहा है आज छुट्टी का देने तो। दे, वो इन्होंने कहा था ना कुछ अक्षरी करके, क्या कहा था इन्होंने, अक्षरी करके कहा था ना, पता नहीं अंकल। 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को, अच्छा मुझे तारीखें भी याद होती है ना, वाह क्या और बात है आखिर में, अंकल और आपकी। आखिर में, आखिर में कहा था, जी शुरू में नहीं आखिर में कहा था, अच्छा। ये नहीं बता दी। हाँ क्या अच्छा, बात अब है। दूसरा ये है, दूसरा ये आप ही जमीर, उन्होंने कोई कॉल या कमेंट्स की मेरे बारे में बिरयानी के? अच्छा नहीं आपके बारे में कोई कमेंट्स नहीं किए, अपनी बातें कर रहे हैं बस, कह रहे हैं शादी वाले गाने प्ले कर दो। तो आप प्ले नहीं करना नहीं को प्ले करूंगी अंकल, हो ही नहीं इनको, सकता, हाँ इनको इम्पॉसिबल। इनको बोलो पहले अंकल की बिरयानी का जवाब दो, तुम क्या जवाब दे रहे हो? सही वो है। असल में अच्छा परेशान हो गया है, पता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो अपने दोस्तों में इधर उधर भाग के बोलता है मुझे बिरयानी अंकल की खानी है, लेकिन अंकल की शर्त में क्या, कहाँ से पूरी करूँ? वो भी कह रहे हमारा दिमाग काम नहीं करता कि ये शर्त कैसे पूरी हो। सही बात है। असल मसला ये है। सही अब हो गया। चलते हैं जरा, अब चलता हूँ मैं जरा बगैर परों के मुल्तान, शहरे मुल्तान। जी। तो भाई वो मुल्तान में ना, मैंने मैंने सुना है कि वो बड़े बड़े अफसरान लोग जो हैं वो भी मॉर्निंग वाइब को सुनते हैं। जी। तो भाई मैं इनसे यही दरखास्त करूंगा कि भाई आप भी आ जाएं मॉर्निंग वाइब में, तो मॉर्निंग वाइब में 4 चांद लग जाएंगे। भाई आप जैसे अपने दफ्तरों में जाते हैं ना, मेरे सरकारी सरकार, मेरे सरकारी अफसरान, आपको तहे दिल से पहले तो मैं सलाम करता हूँ, बाद में मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि जैसे आप दफ्तर में पहुंचते हैं तो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो मॉर्निंग वाइब का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला है, जरा आप यहाँ भी इनायत कर दें अपनी, हमें बड़ी खुशी होगी, सही हो गया। आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो सही है, ठीक है अंकल। अचानक बत्ती साहब आते नहीं आते, नहीं अभी नहीं आते अंकल, सुनते तो हैं, वो सुन रहे हैं सुन रहे होंगे अंकल, बिल्कुल सुन रहे होंगे, मेरी आवाज जाएगी इन तक? नहीं बिल्कुल जाएगी अंकल, बिल्कुल जाएगी। तो इनको मेरा सलाम कह देना। चलें जरूर। वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या नाम है जो माउथ ऑर्गन बजाती है, मिस मिस रोजी, रोजलिन। ये और मिस तबीबा साहिबा मेरी छोटी बहन, हाँ जी। इन सबको तो सलाम बोलना। सही है, जबरदस्त हो और गया अंकल। दो 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 बातें आप आपसे खास करनी है, अगर ये कॉपीराइट आता है तो मेरा मुकद्दर, वरना ये गाना जरूर चलाएगा, ये मैं मेरी भांजी को डेडिकेट करता हूँ, अच्छा सही है अंकल। और इसमें आप भी और मेरी बेटी फरा सैयदा फराना और जैनब दोनों शामिल हैं सही हो इसमें, गया अंकल, और खुसूसन ये गीत मेरी भांजी के लिए डेडिकेट। सही हो गया अंकल, ठीक हो गया, सही हो गया। ठीक हो अच्छा गया। दूसरी दूसरी बात ये है कि ये क्या नाम है, आखिर को आज मैं सलाम नहीं करूंगा, किसको? छोटी बेटी को। हाँ अच्छा चैम्बर को। सही है। तो बोलना क्या अंकल, आपको सलाम नहीं कह रहा, लेकिन अंकल ने कहा है कि ये गाना चला दूं, चाय पिलाऊं अपने हाथ से। ठीक अच्छा सही है अंकल, ठीक है, है सही हो गया। अपना, और नहीं कुछ कहना है आपको? अंकल आप बताएं, आपको कुछ कहना है तो। मैं टाइम है अभी, हाँ जी जल्दी से अंकल। वो खुशी खुशी आती नहीं आती, आती है अंकल, आती है, आएगी ना अभी, कल आई है, आप सुनिएगा शो जब मैं ये अपलोड करूंगी आज। काली बिरयानी वाले को कितनी नजर लग गई है, पता नहीं अंकल, किसी ने ब्लॉक किया हुआ नंबर, कह रही हैं। इसके पास तो अपनी देगड़ी में बिरयानी काली होती है, तो इसकी देगड़ी की बिरयानी काली इसको नजर लगने नहीं देगी, हाँ लेकिन रुबीना बहन को किसकी नजर लग गई है जो पता आ नहीं नहीं अंकल, रही है? पता नहीं अगर अंकल। वो आती है, अगर वो शो में आती है ना, कई बिरयानी वाली रुबीना बहन, तो ये खुशी से, खुशी के कहने पे आ जाती है। सही तो है। वही खुशी खुशी जरा इनसे आप रिक्वेस्ट करें ना, काली बिरयानी वाली से, कि वो आ जाए ताकि हमको ना वो छोटी बेबी मुश्क की भी आवाज सुनने को मिल जाए, सही हो गया, ठीक हो और गया। मुश्क को और मुबशिर को मेरा प्यार भरा चल सलाम। जबरदस्त हो गया अंकल। और अंकल बस अब मैं स्कोर बंद करूंगा चले, अपना अपने आप। ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको। हाँ जी एक हाँ जी हाँ जी हाँ जी सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी। वो मेरा दिल चाह रहा है अभी आपका दीदार करने के लिए, तो मैं बंगले पे कब आ जाऊं कि वो अपने ये अंकल आप आराम करें, अभी तो मौसम ठंडा हो गया है।
मौसम देखे, मेरी बात सुने आप, हाँ ये जी तो अल्लाह ताला का निजाम है। हाँ जी एक एक फारसी के शायर ने क्या कहा है पता है? क्या गर्मी व सर्दी व खुश्क व तर, तरसती ब अंदाजाए यक दिगर। समझ में आ इसका गया? फारसी मतलब समझती है आप? सर्दी खुश्की तो इसका समझ में आ गया, अगली लाइन बताए ना अल्लाह अंकल। ताला ने सर्दी को, गर्मी को, खुश्की को, सबको एक जगह पे ना, सबको अलग अलग रखा है ताकि लोगों को, अपने बंदों को परेशानी ना हो। वो गर्मी, गर्मी अपनी जगह पे होती है, सर्दी, सर्दी अपनी जगह पे आती है। सही हो गया, ठीक हो गया, सही कह रहे हैं अंकल मतलब आप। ठीक है ना? जी जी तो बिल्कुल। इसी तरीके से ना मॉर्निंग वाइब में भी यही होता है। तो आप बराए करम आज भी लेट आई हो। हाँ नहीं अंकल, मैं कहाँ लेट आई हूँ आज, 9:15 बजे तक आप नहीं आए हो। नहीं अंकल मेरे मैं आ गई होटल ने थी, मुझे बताया। अंकल मैं आ गई थी आपके मॉकल को जो ना हमने डिच कर दिया आज आपके मॉकल को, बस ये बात है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ ना, क्वेश्चन पे बंदियां से रहा हूँ ना। चलो सही है अंकल, बस मेरे कान मत खींचेगा। चले चले, आज 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 बुध वाला दिन है ना? हाँ जी हाँ, तो कह दें कि देखो अंकल तो बुध वाले दिन लड़की बन के आ जाता है बुरका नहीं पहन अंकल, के। आजकल मैं रख ही नहीं रही हूँ लड़कियों वाली दिन, नहीं रख रही लड़कियों की कॉल का दिन। मुझे पता है रेडियो नहीं आता इसलिए। हाँ इसीलिए ना, तो बस फिर अंकल हाँ चल करें मुझे ना। पता है रेडियो पे शो नहीं आता इसलिए। अंकल को क्या पता नहीं होता है, इसलिए तो अंकल बार बार कहता है। चले तो सही अंकल, कॉल अब लंबी हो जाएगी। ओके ओके बेटा, चले खुशी अंकल में रहो, खुशियाँ लुटा दी जरूर, रहो मेरा कलेजा। बहुत शुक्रिया अंकल, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, जैनब को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। लाफिज 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 लाफिज। ओके जे मेरी अखियां जो मुक्की ना उड़ीक वे, होया लंबिया जुदाइयां हंज मुक गए ने सारे, मेरी अखियां जो मुक्की ना उड़ीक वे, होया प्यार 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 खोया दिल का करार, मेरी अखियां जो मुक्की ना उड़ीक। चलें जी एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिजाज बहुत अच्छा। आप बताइए आप कैसे हैं? नाम मलिक साहब ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? मजे में हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। और आजकल मैं बड़ा जोर लगा कर बोल रहा हूँ। हाँ ताकि आपकी आवाज ना पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल, बस वो कुछ वो भी होता है ना कि तरीका कार नहीं है ऊंचा बोलने का जी। अरे फोन भी काफी दफा मैंने ठीक करवाया, इतने का फोन नहीं है जितना मैं इसको ठीक करवाने पे पैसे खर्च कर चुका। तो भाई आवाज आप तक सही पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी 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 बात है कि बुजुर्ग हस्तियों के बाद हमारी कॉल मिल जाती है। जी बिल्कुल, अब तो डेली आग, पहले अंकल की कॉल आती फिर आपकी कॉल आती है, तो फिर आपकी कॉल आती अंकल की कॉल आती है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपको कॉलें और भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। नमल के पास अंकल के हुक्म की तामील होगी और हम पास बैठ कर कॉल करवाएंगे। और मोहतरम सैयद फरहाना अली साहब, बड़ा खुश हुआ, ये दोस्त अहबाब एजुकेशन से वाबस्ता है जी, तालीम से वाबस्ता है, जिनको मैं आपका प्रोग्राम सुनवा रहा हूँ बैठा हुआ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मोहतरमा सैयद अफसाना अली साहबा जी, सियालकोट में एक बहुत बड़ी खातून, देखिए माओं का बेटों को परवरिश करने में या आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार होता है। मोहतरमा सैयद अफसाना अली साहब ऐसे ही है। आप माशाल्लाह इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो वालदा का बहुत बहुत बड़ा किरदार होता है। तो इमाम बीबी एक खतून थी, अल्लाह पाक उनको बड़ी ग्रहण करे, सियालकोट में, तो उनका बेटा था ना। तो उन्होंने कुछ अरसे के बाद तो अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए एक बकरी को खरीदा, बकरी को खरीदा और अपने बेटे को दूध पिलाती रही। तो देहात थे उस वक्त, इतनी यानी कि शहर की आबादी नहीं हुआ करती थी, देहात थे।
सियालकोट के आसपास। अब भी हम मुल्तान में देख रहे तो काफी सारी आबादी या आसपास के जो जिले हैं तो काफी सारी आबादी अब भी देहात पे मुश्तमिल है, तो देहात देहाती सारा एरिया था। तो एक दिन वो कहीं से किसी हमसाये के घर से या किसी और तरफ से तशरीफ घर लेकर आई तो देखा कि उनकी जो बकरी थी वो किसी और की जमीन से घास चर रही थी, घास चर रही थी किसी और की जमीन से। अब बकरी है, जानवर है, वो बार दफा खुल भी जाता है, वो किसी के और से भी घास खा लेता है। तो उन्होंने उस बकरी को वापस मोड़ा, बकरी को घर लाई और कसाई को बुलवाकर उस बकरी को जिबा करवाया और अपने घर उस गोश्त को भी इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अपने आसपास जो पड़ोस के लोग थे वहाँ उस गोश्त को तकसीम फरमा दिया। सही। पर नीयत ये थी कि इस ये जो किसी और का घास चरकर बकरी आई है तो मैंने इस बकरी का दूध निकालना है और मैंने अपने ये बेटे को दूध पिलाना है, तो किसी और का घास चरा हुआ जो बकरी का दूध है ये मेरे बेटे की परवरिश में रुकावट बनेगा। और सही। वो इमाम बीबी डॉक्टर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह की वालदा थी। क्या बात। यानी कि वो बकरी डॉक्टर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के लिए खरीदी गई थी और वालदा ने जब देखा उनकी इमाम बीबी साहबा ने देखा कि किसी और का घास चल रही है तो उन्होंने उस बकरी को जिबा करके गोश्त तकसीम कर दिया, अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया। और जब ऐसी माँ मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा अपने बेटे की परवरिश कर रही हो, बेटे की देखभाल कर रही हो, या ऐसा ऐसी वालदा की गोद में जो बच्चा पल रहा हो, वालदा का ये जहन हो तालीम याफ्ता ना होने के बावजूद, तो फिर ऐसे जो बच्चे होते हैं वो इलामा इकबाल या कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि डॉक्टर इलामा इकबाल अहमदुल्लाह का तलक पाकिस्तान से था, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। और देखिए कि जिन शोराए कराम की फारसी शायरी को सबसे ज्यादा ट्रांसलेट किया गया है उनका डॉक्टर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह पहले नंबर पे आते हैं। बिल्कुल। और मोहतरमा सैयद फरहाना अली साहबा, ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, अल्लाह पाक उनको तरक्कियां नसीब करे, बहुत ज्यादा तरक्कियां नसीब करे, वहाँ बकायदा तौर पे अब बीच में तो हमारी गवर्नमेंट ने ये 9 नवंबर की छुट्टी को खत्म कर दिया था, अब दोबारा इन्होंने मेरे ख्याल कल से आज छुट्टी है, लेकिन ईरान में बाकायदा तौर पे डॉक्टर अलामा इकबाल रहमतुल्लाह की पैदाइश के दिन और विसाल के दिन बाकायदा तौर पे सरकारी छुट्टी मनाई और उस दिन डॉक्टर अलामा इकबाल के जो अफकार हैं, इनकी जो शायरी है, उस पे बाकायदा तौर पे तबसे किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे लिए बड़े एक एजाज की बात है कि उस शायर को दूसरे ममालिक में बाकायदा तौर पे छुट्टी भी की जाती है, उनके मजामीन पढ़े जाते हैं, उनपे सब कुछ किया जाता है, तो वो डॉक्टर अलामा इकबाल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही जबरदस्त। तो शायद मैं तो भी मतलब आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है अब। हेलो, अभी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, कॉल ड्रॉप भी हो गई है। ओके ओके, चलें जी कमेंट्स को शामिल करें। हाँ जी, आमिर कह रही हैं कि वाओ, मसूद आलम हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हैदर खान हमें सुनते हैं जापान से, वालेकुम अस्सलाम। तो जापानियों, सब तो सोना तू है, दिल का करार जानिया, तेरे लिए मैं तड़पू रात न, तेरे नाल होया मुझे प्यार जानिया, दिल नहीं लगदा तेरे बिन अब कहीं, रहना मुझको तेरे बिन अब नहीं, मेरे दिल नु सताए तेरी याद जदों आए मेरी अखियां जो मुकी। ओके, मुलाजिम हुसैन कह रहे हैं कि सलाम हब से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड साथ साथ अब्दुल रहमान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। एंड अब्दुल रहमान गुड मॉर्निंग कहते हैं। राना इमरान कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और साथ साथ आपने मेरे कहते हैं कि अरे मेमन अंकल, आपका ना खर्चा करवाने में ना मजा नहीं आएगा, आप ऐसा करें कि किसी दिन ना लंगर बनाए और हमें आवाज दे, हाँ फिर देखें कमाल होशियारी।
ओके राना मैडम कहते हैं कि सिस्टर आज कॉल कर सकते हैं या बस गर्ल्स डे है, नहीं कॉल कर सकते हैं। और उसे कहते हैं दिल पे ये कैसा सितम ढाया है, आज तक कभी भी थाना थालों का मैसेज नहीं आया है। कहती है नोट, ये एक दुखी पोस्ट है। ओ माय गॉड, मतलब क्या अजीब छिछोर बन है ये। फेसबुक पर ना ज्यादा रिश्तेदारियां मत बनाए, क्योंकि हम रिश्तेदारों से परेशान होकर ही फेसबुक पर आए। ओके हम तो ऐड नहीं करते, जिनको ऐड किया ना ऐसी प्राइवेसी लगाई है, कुछ देख नहीं सकते। सुन ले यार, सुनते हैं मेरे रिश्तेदार मेरा शो। मोहम्मद फराज कहते हैं सलाम वालेकुम, अभी नींद में हूँ, ये छुट्टी फजूल में देती है, हद है। वालेकुम सलाम, ना शुक्र है इंसान। अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो फिर हमने पूछा भाई आपका दिन का शेड्यूल क्या है भाई, कह रहे आप क्यों आ गए आज, मुझे लगा आज आपकी छुट्टी है, लोग हमारी छुट्टी क्यों है भाई। और साथ साथ इब्राहिम कलेरी कहते हैं डेरा गाजी खान से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। आमना कहती है कि क्या बात है रमजान अंकल की जी, माशाल्लाह जी। हाँ जी फराज की तरफ मैंने इतने सारे ना ख्वाब देखे हैं आना, उसका हिसाब कौन देगा, तुम दोगे हिसाब और कौन देगा, तुम दो खुद हिसाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फराना सिस्टर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? राना इमरान मेरे भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं सब ठीक ठाक। हाँ जी, आबिद भाई कह रहे थे ना कि आज मुझे शबनम मिली, मैंने कहा आगे ख्याल करना, आगे की नसीब ना करो। सही हो गया। और सुना सिस्टर आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम एहसान है। और हमारे भट्टी साहब आ रहे नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, और सब खैर करिए? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ कहेंगे? बस यही कहा कि आज बहुत दिन हो गए, तो मैंने कहा चलो हाजिरी लगा ले। चलो जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। बस इस बार डे आज। हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो आज घर पे ही, तो मैं भी मिस्त्री काम कर रहा था मेरा। सही हो गया, जबरदस्त हो गया, काम करवाए, कमरा बनवाया सिस्टर इतना ऊपर छत पे, जबरदस्त माशाल्लाह। हाँ तो उनकी वाइफ जो है लड़के गई हुई है, मैं उनको शौक ना रहा था, तो कहता भाजी को बोलो मेरे लिए दुआ करे कि मेरी बेगम वापस आए। मैं सिस्टर को बोलते हैं अस्ताना बोल के बैठ गए। सजल बाबा और एक पुराना बाबा, दो बाबा मिल गए। नहीं नहीं सजल बाबा से करवाए तो है सामने, अच्छा भाई सजल ने भी अस्ताना खोला हुआ है, सही है सजल ने खोला तो फिर हमें क्या जरूरत है भाई। मिस्त्री बोल रहा मेरा बोलो सजल ने दुआ करवाए भाई। सही हो गया। सिस्टर तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको खुश रखे, आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे, अल्लाह हाफ़िज़। ओके अच्छा जी लाइन आगे निकल गई। So, हाँ जी, और जो पिछली स्ट्रीमिंग के कमेंट्स थे वो रह गए, और आई डोंट नो कि क्यों पिछली स्ट्रीमिंग ब्लॉक हो गई, क्योंकि ऐसा कोई गाना तो अच्छा हाँ हमने अहमद जानजेब का गाना प्ले किया था, मैं पहले ही कह रही थी इसमें कॉपीराइट आता है। आप कहते हैं पाकिस्तान की टीम की किस्मत देखकर न्यूजीलैंड वालों ने घबराना शुरू कर दिया होगा, देखा मैंने बताया ना कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, न्यूजीलैंड टॉप करके आ रही है अपने ग्रुप को, तो फिर चलिए। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ चुकी हूँ मैं। ओके साथ साथ राना इमरान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आवेद मेरे कहते हैं कि भाई आप कुछ सॉन्ग लेके आया करें, छोड़े हमें रोज ही ना बंद हो जाता है शो एवी से, है ना, बस जो मैं प्ले करती ना वो कॉपीराइट नहीं होता। पर आज कह रहे हैं ओ कॉपीराइट आ गया फिर से, वाओ सुबह सुबह गुड न्यूज। जेलस, यू जेलस। असदुल्ला शेख बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ ओके गदाय मुस्तफा साहब कहते हैं कि बहुत माजरा मेरे पास नेटवर्क का मसला था, इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उर्वशी कह रही है ना किसी की रिप्लाई की खुशी ना किसी के इग्नोर का गम, अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं हम। नाइस। अमीन खरल कहते हैं कि शो इज वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। आप इधर कहते हैं बच्चे थोड़ी सी मगरूर हैं अब, हाँ रिश्तेदारों की बात से फील किया मैंने, मगरूर नहीं है हम इसमें मगरूर होने वाली क्या बात है, अपने रिश्तेदार आपको गिफ्ट कर दूं। फिर बताइएगा। उसके बाद बताइएगा कि है कि मैं सही करती हूँ कि गलत करती हूँ।
साथ साथ बरात कहते हैं कि चैलेंज ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। कह रही हैं कि ओके आप कहते हैं कि प्ले करना बल्ले बल्ले नहीं ढोल पंजाबन दी इस पर कॉपी नहीं आता और स्टूडियो वाले सॉन्ग पर भी नहीं आता। कौन सा ही गाना बल्ले बल्ले अबरारू रखा होगा। नहीं प्ले करूंगी अबरारू का गाना मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, कैसे आप नाम बताइएगा। हेलो 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 ओके जी नजर तो हुआ है बाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर। चले जी कॉलर को शामिल करते हैं, लेट्स सी कौन हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप। मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप ना, आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। हाँ जी आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है सिर्फ। हैंड फ्री निकाल दूं, आपकी नहीं आ रही मुझे। अच्छा अच्छा वाला हैंड फ्री ले लो लड़की। नहीं अच्छा वाला ही है। अच्छा वाला है, चलो सही है। एक महीना चलता बस ये। ये 150 रुपए वाला हैंड फ्री ना एक महीने चलता बेटा। किसी की हड्डियाँ चबा लेना बस, हैंड फ्री चबाते चबाते। हड्डियाँ तो आदमी कैसे चबाऊंगी, शुक्र करें यही चबा रही। और बताओ लड़की कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत क्यूट। वालेकुम अस्सलाम। और क्या था स्टोरी, क्या था वैसे। हाँ क्या था वैसे। अच्छा आज तो पता है गाने सुनने में ना मगन हो जाती हैं आप। हाँ ना इतनी देर से बैठ जा रही है, इतना मैं एंजॉय करती हूँ, मतलब इतना हेडफोन में इतना मजा आता है ना गाने सुनने का, मतलब एयरपोर्ट में नहीं मजा आता वो। वो तो ठीक है ठीक है, बंदा यहाँ पे भी तो कॉल कर रहा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे हाथ थक जाते हैं। अच्छा चलो ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं आपसे सॉरी करें, हम सॉरी कहते हैं। ना करो, आज तुम्हारा दिन नहीं है। और बताओ। अच्छा सर्दियों से तेरा क्या हुआ, सर्दियां गुजर गई जितनी दुनिया बदल रही वो सजदा तलाश करें मैं। नारक उम्मीद वफा परिंदों से एक बाल जब पर निकल आते हैं तो अपना आशियाने भूल जाते हैं। क्या बात है, एक बाल का ही कंफर्म है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो ना आजकल ना फेसबुक पर और हर जगह ऐसा होता है ना कि आप शेर बनाते हैं और कहते हैं अल्लाह एक बार का शेर है। अपने से पता है क्या, अपने से बना के नाम ना आगे उनका लिखते नहीं, दो मिक्स करते हैं शेर और कहते हैं अल्लाह एक बार का शेर है, ये वाला सीन है। एक बार का शेर है उनका, क्या कहते हैं अहमद फराज का शेर है, अपने से बना के लिख देते हैं सीख है ना। फेसबुक है ही फेक है ना, फेक बुक है वो, फेक बुक है वो, फेसबुक नहीं है वो तो है फेक बुक। अच्छा पता है क्या, मैंने माय ट्विनर ऐप इतनी डाउनलोड की कोई भी नहीं चल रही, क्या करूं। कोई भी नहीं चल रही, क्यों भाई ऐसा क्यों, कोई भी नहीं। तुम एक काम करो लड़की, देखो नहीं नहीं तुम देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देती हूँ हर रोज अपने शो के डिस्क्रिप्शन में, हाँ जहाँ ऊपर लिखा होता है ना ऑन एयर माय मॉर्निंग वाइब्स, वहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा माय ट्विनर का, उस पर क्लिक करें। एक डाउनलोड की दूसरी डाउनलोड की चली नहीं, मैंने कहा सारे सब कुछ डाउनलोड करके भेज दूँ क्या। नहीं नहीं आप वो डाउनलोड करें, आप वो डाउनलोड करें। सही है डाउनलोड करूंगी, लेकिन चलो फेसबुक पर गुजारा करें मैंने, लेकिन वो मैंने कहा था डाउनलोड करूंगी कभी इसमें मस्त हो तो उससे सुन लूं मैं। सही और ये जो कह रहे हैं इतने एमबी जाया करते हैं, मैं तो पूरा पैकेज ही आपने कुर्बान किया। क्या बात है लड़की, वाह वाह सदके जाऊं, मां सदके। अरे मां सदके, अम्मी याद आ रही है। अच्छा और बस चले जबरदस्त हो गया, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआ के लिए। हाँ जी सुनाइए ना, आतिफ भाई का तो चल रहा है रफ्ता रफ्ता रफ्ता, अरे रफ्ता चला सुनते हैं। सही है जो नया है ना वो वाला बहुत मूनराइज। ओके चले मैं प्ले करती हूँ, सही है ओके चले ओके, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। ओके ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआं धुआं जन्नतों का शहर, हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल।
अगर चलें जी प्ले करते हैं मून राइज और एक्चुअली आई लाइक दिस सॉन्ग और इसका म्यूजिक अच्छा है राइट एंड हाँ जी यहाँ से प्ले हो जाएगा जिवनी चन्न चढ़दाया ते मेरा दिल खड़े जे पानी वरगाया चुरा लईए तू लाली शाम तो कुड़िए नशीले नैन बड़े ने जाम तो कुड़िए बचा ले जा निखबरू जाना मरदाया जहर वांगू निहड्डी इश्क बढ़दाया तेरा मुख चले जी ओके एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं लेट्स सी कौन है हमारे साथ लाइन पर अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अरे ये कौन आ गया यस सर कौन आ गया क्या हाल है यासिर कैसे लड़के ठीक हो खैर से हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है आप सुनाओ ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हाँ जी सबसे पहले जितने भी बहन भाई दोस्त शंकर जितने भी सुन रहे हैं सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम कहाँ गायब है वैसे इतने टाइम से और आज गोलगप्पे वाला लाइव आ गया वैसे अच्छा गोलगप्पे वाला लाइव आ गया है गोलगप्पे का ठेला गिरा के वो फेंक दिया बस गुस्से में दस हजार फेंक दिया अच्छा चार साल से देख रहा हूँ बिकी नहीं रहा अच्छा चार साल से ना जब से तेरी चूड़ियों की आवाज सुन के मेरा दिल धड़कना टूट गया तो फिर गोलगप्पे भी टूट गए ऐसे ही होंगे है ना देखो देखो तुम पछता रहे हो ना बता गया अच्छा चलो बताओ आज ना हम तुमसे गाना सुनेंगे आज हम कोई बात नहीं करेंगे कोई टॉपिक की बात नहीं करेंगे आज पता है आज बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों भाई थोड़ा मैं आपको पता है जॉब पे कॉल करना हाँ और फिर हल्के हल्के बाद में गाना सुना दो ना क्या होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे अब चलो तुम आए तो गाना सुना कर ही जाओगे भाई अच्छा हाँ और क्या पीछे आवाज आ रही है या उधर पीछे आवाज आ रही है जी तो टाइम देखना पड़ता है ना हाँ चलो जाओ कपड़े काटो चले और बताए हाँ अच्छा अब सुनेंगे नहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा हूँ हाँ चले सुनाए कोई फरियाद तेरे दिल में अजी हो जैसे तूने कोई बात नजर से जो कहीं हो जैसे इतना ही आपको पता है सही है भाई वैसे आप बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह जबरदस्त अच्छा अभी मैं आपको एक बात बताऊं हाँ जी बताइए मैं 20 नवंबर को हाँ स्टूडियो जा रहा हूँ अच्छा कौन से प्रोडक्शन स्टूडियो माशाल्लाह क्या बात है भाई जबरदस्त हो गया क्या बात है चले भाई हम चले भाई यासिर आपका गाना आएगा ना सबसे पहले मैं प्ले करूंगी यहाँ पे सही है नहीं वो पता है मैं अच्छा कवर कर रहे हैं चले जबरदस्त हो गया ठीक है मतलब कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं है जबरदस्त क्या बात है तो मैंने चले छोटे स्टेप से स्टार्ट जबरदस्त बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत खुशी हुई जान के एटलीस्ट आपने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का सोचा बहुत अच्छी बात है जबरदस्त बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा आप बहुत अच्छा गाते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जरूर आगे जाएंगे और एक जगह मैंने ऑडिशन और दिया हुआ है जबरदस्त हो गया ट्राई करते रहे शुजाएदा साहब को दिया हुआ है मैंने अगर वहां क्या बात है जी बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की बात ही बहुत सारी दुआएं और शुजा हैदर जो है वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं और वो जरूर आपको चांस देंगे जब उनको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है और टैलेंट है तो जरूर वो आपको इनकरेज करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है उनको लोग भूल जाते हैं पता है इस बात को याद रखना चाहिए आपको रोज आने में इज्जत नहीं होती भाई हमारे शो में रोज आने में इज्जत होती है जो नहीं आता उसकी इज्जत नहीं होती फिर नहीं वैसे चले नहीं कोई नहीं हम समझ सकते हैं चुके मैं तो खैर मजाक से कह रही हूँ आप जब टाइम मिले आए लेकिन आए शो सुने एंजॉय करें बस टॉपिक तो बता अब टॉपिक क्या करेंगे टाइम नहीं है 51 हो गए भाई घर जाना है इजाजत लेनी है तो
अब होने दे, मैं थोड़ी बंद करूंगा। मैं ड्रॉप कर दूंगी कॉल, बता तुम्हें पता है ना कैसी हूँ मैं। तो काफी टाइम बाद आया हूँ। हाँ तो हाँ, 11 बजे के बाद तक ले लो मेरी कॉल। चलो इस टॉपिक के बताओ, स्कूल का कोई ऐसी बात बताओ जो बहुत इरिटेट करती हो तुम्हें। बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ, लेकिन अब एंजॉय करते हो, अब याद आता है तो। अच्छा, अब तुम्हें लगता है कि क्या मेमोरी थी। ज्यादा तो मुझे एक ही बात परेशान करती, लोग कहते हैं शादी कब करोगे, और मुझे अभी करनी नहीं है। हम स्कूल की बात करें, लड़का अपने दुखड़े रो रहा है। सही है भाई, दिल से आ रही है आवाज आपकी, ना दिल से आवाज आ रही है। सही है, अब तो वहीं से आवाज आ रही है। चलो सही हो गया यासर, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। सही है, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, अच्छा एक बात, जी आबिद भाई हैं, शामिल हैं। हाँ जी हैं, बिल्कुल। उनको बोले मैं जो ना दूर के शेक के दो ग्लास पी। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। पैसे भी अपनी जेब से देना। चलो सही हो गया, खुश रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आपको कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ठीक है, बहुत सारे विशेस भी हैं। खुश रहिए, लाफेज लाफेज लाफेज। ओके जे, ओके जेनिफर लोपेज का गाना प्ले करें ऑन द फ्लोर। पुराने हो गए गाने। ओके, Oh my God, it's 53 now. खड़े जे पानी वरगाया चुरा लिए तो लाली। कमेंट्स को शामिल करते हैं। तो कुड़िए आप इधर कह रहे हैं, अरे अब्रार का नहीं है, मजे का सॉन्ग है, सुने दो। हाँ मुझे पता है, कोक स्टूडियो में अब्रार का ही सॉन्ग है वो, बल्ले बल्ले। I'm not gonna play that. अच्छा जी, रुसा कह रही है ये एवरीवन इजाद करने वाला, बस कहीं मिल जाए फिर ये ना एवरीथिंग भूल जाएगा। क्या चल रहा है भाई, हम तो नहीं करते। ये फेसबुक पर पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें आ गई ना, अचानक से आ जाती हैं। कोई हैशटैग आ जाता है, कभी कोई चीज और आ जाती है। मुजम्मर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल थैंक यू। और साथ साथ मोहसिन लियाकत हमें सुनते हैं लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहसिन, ठीक है आप? कहते हैं कि मैम आप कैसी हैं? आई एम वेरी वेल। कहते हैं अल्लाह पाक की रहमत है हमेशा आपके शामिल हाल रहे। आमीन सोमे, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहसिन मेरे भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी जानिब से। रिजवान अली वालेकुम अस्सलाम। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक टू, स्कूल के खराफात बताए। वरी मुझे ना जब स्कूल में मार पड़ने वाली होती थी ना, तो हम हाथों पर ना थूक लगा लिया करते थे। तो अब बा ऊ माय, ओ माय गॉड, तो बा यू कहते फिर ना उससे ऐसा करने से ना डंडा जोर से नहीं लगता था। तो बा मौसी लागत कहते हैं कि कितना शरीफ शख्स है, बीबी को चाहता है और ऊपर से कमाल है कि अपनी को चाहता है। यही तो असल चीज है। रिजवान अली कहते हैं फरहान अली कैसी हो, वेरी वेल थैंक यू। अजीम शोबिज कहते हैं लिस्टिंग फ्रॉम कराची, ओ माय गॉड, ईरान से डायरेक्ट कराची। आमना कहती है कि मजा आ गया अभी आपसे आपसे बात करके चले, बहुत शुक्रिया। आमना कहते हैं आमना की बातों से अंदाजा होता है कि आमना ना जुए देखने वाली दादी बनेंगी मुस्तकबिल में। तौबा, चलो यासर भाई इतना काफी है। ओके थैंक यू। और साथ साथ वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मौसम कहते हैं कि बीवी आंवला खाने से ना खून साफ होता है, शौहर ऐसे ही गुजारा कर लो कि अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए। तौबा, अंबर आ गई, कहते वेलकम बरी, कहाँ थी अंबर? अरे अंबर तुम्हें वो याद है हमारे कॉलेज में, वो हमारे कॉलेज में जो कैंटीन वाली आंटी थी, मुझे याद आ गया। तुम जैसी तुम आई ना, मुझे याद आ गया। कह रही है आप आई हैं आज, हमें मालूम ही नहीं था कि कल मिलते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं कल छुट्टी करूंगी। हाँ तो अमर बताओ ना, तुम्हें वो याद है हमारी जो कॉलेज वाली आंटी थी, वो जो कैंटीन में होती थी, और उनके साथ जो ना उनका एक भाई था, जो कि वैसे लेके वापस ही नहीं करता। पता है क्या, अगर 100 का नोट दे दिया ना किसी ने, तो वो कहते थे अब और भी खुद कुछ खरीद लें, और कुछ खरीद लें, कोल्ड ड्रिंक खरीद लें, जूस खरीद लें, कोई स्नैक्स खरीद लें। यार वो बंदा वैसे वापस ही नहीं करता था, तो सब इतना इरिटेट होती थी लड़कियां। ऑफ कोर्स हमारा गर्ल्स कॉलेज था। हमर कह रही है आज ना छुट्टी का समय, घर में संडे संडे फील हो रहा है, इसलिए ना भूल से भी याद नहीं रहा। पता क्या हुआ, मुझे लग रहा आज फ्राइडे है, क्योंकि ना रोड पे सन्नाटा, लेकिन किसी के पापा जा रहे थे, रोड ब्लॉक कर दिया था। कहा कि रुक जाओ 10 मिनट वेट करो पूरे ट्रैफिक को रोक के। ये जो लोगों के पापा जाते हैं ना,
मतलब किसी के तो पप्पा ही होंगे वो, जिसकी वजह से आवाम को परेशान करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ रुक जाओ 10 मिनट के लिए, वहाँ रुक जाओ। यार आवाम की तो इतनी सिक्योरिटी नहीं है, ये किसी के पप्पा की इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, वो भी आवाम के पैसों पे। सही जा रहे हैं भाई, कॉल्स आ रही लेकिन कॉल्स में शामिल नहीं करूंगी क्योंकि अब टाइम हमारे पास है नहीं, इजाजत लेने का वक्त ही हुआ चाहता है। आवेद मेरे कहते पता है फिर स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे ना, तो बड़ी बहन बराबर स्कूल से आके ना खिड़की से मेरा एग्जाम्स पूरा करती थी, अल्लाह माफ करे इतनी चीटिंग। आवेद मेरे कहते कोक स्टूडियो का नहीं है बल्ले वाला सॉन्ग, गर्ल का है शादी वाला सॉन्ग, नहीं कर रहे ना बल्ले क्या है। उस्मान जाहिद कहते हैं सलाम सिस्टर मी फ्रॉम कराची, वालेकुम अस्सलाम। अंबर इस्लाम कह रही हाँ हाँ याद है वो आंटी जिन्होंने बताया था उनकी बेटी ना, उनकी जो दो बेटियां ना वो राइडर हैं। उमर याद है तुम्हें? याद कर। और वो याद है मुझे उनके, उनके जो भाई था जो पैसे वापस ही नहीं देते थे, और उनकी थगी हुई इमली की चटनी याद है तुम्हें? अमर क्या याद आ गया यार। अमर कह रही कि वो भी सुन रही है क्या? नहीं नहीं वो सुन नहीं रही, अचानक याद आ गया, वो बातें चल रही थी ना इरिटेशन वाली, ब्रेन इरिटेशन हो जाती थी हमें उस टाइम पर। हमने कह रही आविद भाई भी ना आप क्या बोलोगे अभी है? कह रहे मेरे तो मुंह टेढ़ा करके ना टाइप किया है ऐसे ही पढ़ना, हाँ अगर मैच नहीं जीता ना तो बात नहीं करना आप। हाँ लिब्रा कभी नहीं बताया लिब्रा अभी भी गलत लिखा है। ओ माय गॉड, आप कौन से, आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं ना? अपने टीचर को बोले जरा सही से सिखाया करें आपको। हाँ भाई देखिए ना करें प्ले, काश मैं अंबर होता ना तो प्ले करती तब भी प्ले नहीं करती भाई। अंबर भी कोई ऐसे गाने बताते नहीं प्ले करती मैं। और साथ साथ मोहम्मद गश कहते हैं आप खाते कहती हैं आप फिर भी होंगी थकी हुई, और ये जैसे कि पता नहीं क्या लिखा था, कहाँ चले गए कमेंट। अंबर के नहीं चटनी याद नहीं है मुझे। अंबर तुम बहुत भुलक्कड़ हो। काशन खान कहते हैं डेट पर डेट गुजर जाती जज साहब लेकिन कॉल नहीं मिलती। ओके हमारे कहें जस्टिन बीबर का बेबी लगा के जाना प्लीज। नहीं भाई अंबर अच्छा हाँ माय टिनर पे तो सुन सकते हो। अंकल ने भी एक गाना बताया हुआ है वो वाला गाना मुझे मिला ही नहीं कॉपीराइट फ्री, क्या करें। अरे 11 बजने वाले आज मैंने 59 कर दिया भाई। ओके जी चलें जी इजाजत दीजिए ना मुझे। जिवेनी चन चढ़दाया तेरा मुखड़ा, जिवेनी चन चढ़दाया। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने पैर को रखेगा बहुत 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 ही ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखेगा अपनी दुआओं में यार। So, चलो अंबर ये वाला गाना ना तुम सुनना जस्टिन बीबर का ऑन माय टीनर रेडियो ऐप। याद कर दाया तेरा मुखड़ा, जिवेनी चन चढ़दाया तेरा मुखड़ा, जिवेनी चन चढ़दाया। इट्स ओनली यू दैट कैन सेव मी, ओनली यू दैट आई डू नीड, ओनली लव दैट आई कुड बी, गिव मी ऑल आई एवर नीड, यू दैट कैन सो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल फिर। अपना और अपने प्यार को रखेगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखेगा अपनी दुआओं में यार। मुकम्मल हूँ तू कुड़िये तेरे पागल, फरहाना इस वाले सैनिक राहिलत आना करा की गल शराबी खुड़ फिया मानेला।